when we talk about the behaviorism then we always uh, have some idea about the behaviorism that we are talking about the behavior of humans or behavior of animals and uh, behaviorism basically it always uh, uh, define learning in the in context with the stimulus and response and uh, stimulus not only can be the human but stimulus can be an object stimulus can be an event stimulus can be anything in the environment that will stimulate you to take action so the concept of stimulus is like that that it can be any motivational force it can be any pushing force to motivate you to do anything any action and uh, to complete any task so these are the basic concepts of behaviorism and uh, from the behavioral school of thought uh, we will discuss today the skinner's theory and skinner's thoughts what skinner is saying about skinner has presented the theory operant conditioning and uh, he actually in the opinion that he is actually not uh, uh, aggressively talking about the stimulus but he is talking about the reinforcement of the actions the reinforcement of response he is talking about the response that when we विल स्टेंथन द रिस्पॉन्स दैन द पर्सन विल लर्न मोर एंडन विल गिव मोर फीडबैक पॉजिटिव तो उसमें उसने जो ऑपरिंग uh, कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट दिया उसने कहा जी ज़रूरी नहीं है कि हम जैसे कि पहले वाले uh, जो स्कूल ऑफ थाट था, था जैसे पेवल ऑफ था उसने कहा कि uh, स्टिमुलस रिस्पॉन्स स्टिमलस होगा स्टिम, करेगा तो फिर हम आगे से रिस्पॉन्स देते हैं यानी एक्शन और रिएक्शन जो उसने बताया है यहाँ पे जो स्कैनर कह रहा है कि जब कोई भी बच्चा या कोई स्टूडेंट या हम कोई काम करते हैं और आगे से हमें कोई उसकी पॉजिटिव फीडबैक मिलती है तो हम खुशी से और मोटिवेशन से नेक्स्ट टाइम उस ज़्यादा अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं ये बेसिकली जो थेरी है इसके स्कैनर की वो ये कह रहा है कि ऑपरेंट का मतलब उसने ये कहा कि जो एक्शंस हम लेते हैं अगर हम उसको स्ट्रेंथन करते हैं वो कुछ भी हो सकता है वो एक घर में अगर आप एक फीमेल्स डिश भी बनाती हैं और उसका रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा आता है तो दे विल अगेन प्रजेंट यू इन अ बेटर विद अ बेटर रेसिपी एंड दे विल बी मोटिवेटेड इसी तरह स्टूडेंट है अगर टीचर उसके काम को मोटिवेट करता है और अप्रिशिएट करता है तो नेक्स्ट टाइम वो उससे ज़्यादा अच्छा काम करके सामने लाते हैं ये बेसिकली स्किनर कहना चाहता है कि हमें अगर रिस्पॉन्स जो है वो चाहे एवरेज रिस्पॉन्स भी हो तो हमें उसको डिग्रेड नहीं करना चाहिए बल्कि उसको जो है स्ट्रेंथन करना चाहिए कि ठीक है दिस टाइम इट इज़ एवरेज स्कोर बट यू कैन गेट द हाइस्ट स्कोर इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट तो ये जो कमेंट्स होंगे ये बच्चे को एवरेज बच्चे को मोटिवेट करेंगे कि वो अपना नेक्स्ट जो काम है उससे भी ज़्यादा अच्छा करके लाए तो अब यहाँ पर उसने एक एक्सपेरिमेंट पिजन के साथ किया समझाने के लिए पूरे प्रोसेस को कि एक पिजन जो है उसने उसका एक एट का हिंसा जो है उसके उस अंदर उसको चिलाना था और उसको ट्रेंड करना था कि किस तरह से वो उस एट के जो हिंसा है उसमें चल के जो है वो अपनी मंजिल तक पहुँचता है तो उसके दौरान में उसने जो है दरमियान में कुछ क्यूज़ रखे हुए थे कुछ उसने जो है ग्रीन लाइट एक ऊपर प्लेस की हुई थी और जैसे ही जब पिजन ने चलना शुरू किया तो वो पहुंचता है कहीं मेड में शुरू में जब पहुंचता है तो वो अभी चलता हुआ जो है वो हैप हेजली ट्रायल एंड एरर के साथ कभी इधर कभी इधर लेकिन अचानक जो है बाई चांस उसका पाँव एक लीवर पे पड़ता है लीवर दबता है और उसमें से कुछ जो है वो ग्रेन्स गिरते हैं जिसको कि पिजन को हशी हुशी खाता है अब पिजन के अंदर ऑब्वियसली एक फ्यूल आ गया एक मोटिवेशन आ गई उस मोटिवेशन के साथ वो आगे चलता हुआ फिर उसी एड के हिंसे को क्रॉस कर रहा है अब फिर एक ग्रीन लाइट पहले जलती है फिर एक दम से उसका फिर एक पाउंड लीवर पे पड़ता है और फिर उसको ग्रेन्स मिलते हैं तो ये पूरा प्रोसेस जब करके एंड पे पिजन पहुँचता है तो पहली टा पहली बार में वो काफ़ी टाइम लेता है लेकिन फिर नेक्स्ट टाइम दोबारा से जब उसको ट्रेन करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो पिजन कम टाइम लेता है और उसकी जो मोटिवेशन थी जो ग्रेन्स उसको मिल रहे थे वो उस काम को खुशी खुशी जल्दी जल्दी करना शुरू हो गया तो यहाँ ये कहना चाहता है स्किनर के जब हम किसी को मोटिवेट करते हैं तो वो उसके अंदर उसके बिहेवियर में जो हम तब्दीली लाना चाह रहे होते हैं वो हमारी पॉजिटिव फीडबैक से हमारी पॉजिटिव री से उसके अंदर बिहेवियर में तब्दीली जल्दी आती है बजाय ये कि आप अथॉरिटेटिव होकर किसी के अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करें तो बज़ाहिर आपके सामने जो है ओबीडियन तो हो जाएगा लेकिन बिहेवियर में तब्दीली का मतलब ये है कि वो उसके अंदर वो जो काम जो आपको पसंद नहीं है या बच्चे के लिए जो है वो अनवांटेड है तो अनवांटेड काम को दूर करने के लिए हमें फ़ौर से जो है उसको पॉजिटिवली मोटिवेट करना पड़ेगा तो उसने कहा कि हम इस तरह से किसी के भी बिहेवियर भी भी को शेप कर सकते हैं हम जो है इमिटेशन इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बच्चे जो हैं वो ऑब्ज़र्व करके सीखते हैं जैसा टीचर का मॉडल होगा जैसा पेरेंट्स का मॉडल होता है बच्चे ऑब्जर्व करते हैं और वो वाले बिहेवियर सीखते हैं तो अगर बिहेवियर में तब्दीली लानी है तो फिर वो जो री है वो टीचर है या पेरेंट्स हैं उनको अपने रवैये में तब्दीली लानी पड़ेगी अपने रवैये में तब्दीली लाएंगे तो आपका बच्चा ऑटोमेटिकली आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है वो आपको देख के उसी तरह की तब्दीली लाएगा एग्रेसिव फादर जो है वो हमेशा अपने बच्चे को अग्रेसन कम्युनिकेट करता है बच्चे हमेशा झूठ और ये ब्यूज़ जो है ये अपने घर में सबसे पहले जो है वो सुनते हैं और सीखते हैं तो इसलिए यहाँ पे जो चेनिंग का एक लफ्ज़ है तो पिजन का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें उसने कहा कि हम किसी के रवैये में जब तब्दीली लाते हैं तो एक दम से नहीं आ सकती हमें उसको चेन करना पड़ता है जो स्किनर था इसने पिजन को जो ग्रेन्स मिले थे उसके लिए लाइट और उसके बाद लिवर ये थोड़े थोड़े स्टेप्स पे उसने लगाए हुए थे जो उसको क्यूज़ दे रहे थे कि तुम सही डायरेक्शन पे जा रहे हो तो जब किसी के रवैये में तब्दीली लानी होगी तो हमें स्टेप बाय स्टेप जो है उसको ले चलना पड़ता है आज जो है वो बच्चा टाइम से क्लास में आ गया है तो यू शुड अप्रिशिएट और नेक्स्ट टाइम वो आपकी डेडलाइन को मीट कर लेगा फिर आप उसको अप्रिशिएट करें एकदम से अगर आप कहें कि उसके बिहेवियर में तब्दीली आ जाएगी वो नहीं आ सकती हमें हमेशा स्टेप बाय स्टेप जो है वो किसी भी बच्चे के रवैये में तब्दीली लानी है या उसका कोई नेगेटिव अगर एटीट्यूड है तो उसके विदड्रॉल के लिए भी हमें स्टेप बाय स्टेप जो है वो काम करना चाहिए